महासमुंद जिले के सिरपुर इलाके में हाथियों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिरपुर के समीप स्थित अछारीडीह के एक किसान के खलिहान में 3 दंतेल हाथी पहुंचकर खलिहान में रखे 200 बोरी धान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं इन हाथियों के ग्रामीण इलाकों में पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रायगढ़ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एटीएम का क्लोन बनाकर रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एटीएम रीडर, क्लोनिंग मशीन व दर्जन भर से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। एसपी संतोष सिंह के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस को एटीएम की क्लोनिंग कर रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को राधिका लाज एसबीआई एटीएम से रुपए निकालने की फिराक में एटीएम से छेड़खानी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। आरोपी गण क्लोनिंग कर बनाए एटीएम कार्ड से किसी व्यक्ति के जमा पूंजी निकाल पाते उसके पहले कोतवाली पुलिस की तत्काल कार्रवाई से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड स्थित राधिका लाज के सामने एसबीआई एटीएम के गार्ड जयराम नायक निवासी जोड़ा चक्रधर नगर के द्वारा सुबह करीब 10:30 बजे कोतवाली थाने को सूचना दिया कि 2 संदिग्ध युवक एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी कर गलत तरीके से रुपए आहरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के तुरंत बाद कोतवाली थाने से स्टाफ आकर दोनों युवकों को एक बैग के साथ थाने लेकर गई। तलाशी में दोनों के पास से 10 एटीएम कार्ड, एटीएम रीडर, क्लोनिंग मशीन, 2 मोबाइल, हेडफोन, 2 पर्स मिला। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम विकास कुमार मालाकार, पिता शंभू मालाकार, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम सिदल्ला, जिला नवादा बिहार, पिंटू कुमार सिंह, पिता गोरेलाल सिंह, 40 वर्ष, निवासी अकबपुर, जिला नवादा बिहार बताए। एटीएम रीडर, क्लोनिंग मशीन तथा अलग अलग बैगों के अलग अलग नामों से रखे हुए एटीएम कार्ड के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों संदेही बताए कि वे एटीएम कार्ड धारक जिन्हें एटीएम कार्ड उपयोग नहीं करना आता, उन्हें मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड को अपने पास रखे रीडर डिवाइस में लोगों के एटीएम को स्वाइप कर उनके अकाउंट की आंतरिक जानकारी ले लेते हैं, फिर अपने डिपार्टमेंट में दूसरे बैंक के खाली एटीएम कार्ड में जानकारी स्थानांतरित कर लोगों के पैसे निकाल लेते हैं। दोनों के अपराध स्वीकार के बाद थाना कोतवाली रायगढ़ में बैंक गार्ड जयराम नायक की रिपोर्ट पर दर्ज अपराध क्रमांक 142/2021 धारा 380/511 भादवी में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी गण बताया कि इनका पेशा यही है। इनके गांव आसपास और भी कई लोग हैं जो इस तरह के अपराधों से जुड़े हैं। वे सभी अलग अलग शहरों में घूम घूमकर इस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं। 3 दिन पहले रायगढ़ आए थे और किराए मकान पर रहकर रायगढ़ के अलग अलग एटीएम में जाकर ग्राहक तलाश कर रहे थे, पर यहां सफल नहीं हुए और आज पुनः रुपए निकालने के प्रयास में कोतवाली पुलिस के हाथ लग गए। कोतवाली पुलिस आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी अन्य जिलों से साझा की गई है। आरोपियों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रतनलाल डांगी एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड, नौकरी लगाने जैसे धोखाधड़ी अपराधों की समीक्षा कर तत्काल कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को जिम्मेदारी दी गई है तथा सभी थाना चौकी प्रभारियों को धोखाधड़ी के मामले में लेट लपेटी न कर शीघ्र ऐसे अपराधों की कायमी कर अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने निर्देशित किया गया है। निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए आज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कोतवाली DI कृष्णकांत सिंह, उप निरीक्षक BS डहरिया, प्रधान आरक्षक नंदू सारथी, श्याम देव साहू, आरक्षक हेमंत पात्रे, अभय यादव, लखेश्वर पुरसेट की अहम भूमिका रही है। पूरा मामला थाना कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत का है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी लगातार हमारे द्वारा जो खासकर संदेही हैं या जो पूर्व में जिनके आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या जो रिंगारी गुंडा बदमाश उनकी लगातार सघन चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान कोतवाली पुलिस को ये मुखबिर से खबर मिली कि 2 व्यक्ति जो बाहर से हैं वो ATM क्लोनिंग का काम करते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध है। उस पर एक टीम गठित किया गया और जांच में जबकि इनको पकड़ा गया, इनको तस्दीक की गई तो इनके पास कुछ ATM कार्ड बहुत सारे मिले और साथ ही साथ ATM कार्ड रीडर भी मिले और इनसे पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि ये क्लोनिंग करने के उद्देश्य से रायगढ़ से आए थे और कुछ कुछ जगह इन्होंने क्लोनिंग का प्रयास किया, लेकिन हमारे मुखबिर को हमारी सूचना इनके मिलने जाने के बाद इनको पकड़ा गया। बाद में थाना लाया गया, जब इन्होंने जुर्म स्वीकार किया तो इस पर 380 और 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये जो आरोपी हैं ये मुख्यतः नवादा जिला बिहार के हैं, जिनमें एक विकास कुमार है, दूसरा पिंटू कुमार सिंह है। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और अभी इनको 380/511 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपराध को अंजाम दिया। यहाँ अभी जैसे पूछताछ से भी ये पता चला है कि ये
क्लोनिंग का प्रयास तो किए हैं लेकिन क्लोन नहीं कर पाए हैं। फिलहाल अभी हमारे पास ऐसी सूचना भी नहीं आई है कि किसी के साथ क्लोन किया गया है, लेकिन फिलहाल हमें इसमें इनके आरोप स्वीकार करने पर हमारे इसमें अपराध पंजीबद्ध की कार्रवाई कर रही है। ये बताया जा रहा था कि इनको कोई बुलाया है रायगढ़। देखिए, ये इनका कहना है कि इनके टीम में कुछ और लोग थे और ये सभी यही काम करते हैं। इनके तीन लोग जो इनके बताए अनुसार अभी फरार हो चुके हैं और ये हमें वहीं पर मिले थे बस स्टैंड में, तो अब इनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।